हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आईबीपीएस पीओ में सिर्फ एक दिन रह गया है और आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए आखिरी दिन और एग्जाम के दौरान, इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं आप और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा इस चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। इम्प्रूवमेंट इज़ मस्ट। तो सबसे पहले देखें, अगर एक दिन रह गया है, कल का दिन है आपके पास, तो आपको क्या करना है? आपको एक दिन है मॉक टेस्ट, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको देना है मॉक टेस्ट। उसके बाद उसको करना है एनालाइज, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एनालाइज आप जल्दी से जल्दी करें। अगर एक घंटे का टेस्ट है तो उसको एक घंटे से ज़्यादा आपने एनालाइज नहीं करना है। इससे शॉर्ट में एनालाइज करने की कोशिश करिए, कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, बस उन गलतियों को आपने असली एग्जाम में नहीं दोहराना है। तो अगर एक दिन पहले आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपको एक तरह से आइडिया होगा कि क्या गलतियां मैंने की थी और वो गलतियां मुझे नहीं करनी है। अब मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया था दो दिन पहले या तीन दिन पहले, तो आपको उस तरह का आइडिया नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या करना है आपको। तो हो सकता है आपने जो गलतियाँ मॉक टेस्ट में की हैं वो आप असली एग्ज़ाम में भी कर दें। तो इसलिए एक दिन पहले मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दें, लेकिन ऐसे टाइम पर दें जो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी देर पहले हो। तो मान लो अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में है तो आपको पिछली मॉर्निंग में देना है एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम इवनिंग में है तो भी कोशिश करो आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में दो, आप जो आपका मॉक टेस्ट है वो मॉर्निंग में दो, तभी उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद एनालाइज करना, मैंने बता दिया आपको, एक घंटे से कम टाइम में एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व फ्यू कॉमन पजल्स। अब फ्यू कॉमन पजल्स क्या होती हैं? सीटिंग अरेंजमेंट में आपकी कॉमन पजल्स क्या होती हैं? तो एक तो होती है सर्कल की, ठीक है, ऑल फेसिंग इनसाइड, आठ मेंबर्स की और छः मेंबर्स की। तो इस तरह की पजल, छः मेंबर्स के आने की संभावना कम है क्योंकि पीओ है, इसलिए आठ मेंबर्स की पजल आने की संभावना ज़्यादा है। आठ मेंबर्स की पजल आएगी ऑल फेसिंग इनसाइड। सिमिलरली एक और पजल हो सकती है कि लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, तो आठ या नौ इतने लोगों की पजल हो सकती है, ग्यारह लोगों की भी हो सकती है, तो इतने लोगों की पजल हो सकती है ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इस तरह की पजल आ सकती है आपकी लीनियर, या फिर आपकी नॉर्थ और साउथ फेसिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये चार चार की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ कॉमन पजल्स सॉल्व करके देखनी है एक बार कि कैसे आप, फिर आप यहाँ पे एनालाइज करिए कि किस पजल में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस पजल में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो जिस पजल में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस तरह की पजल जब असली एग्जाम में आएगी तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे उसको छोड़ दो, अगर टाइम बचेगा तो उसको भी अटेम्प्ट कर लेना। और एक पजल क्या होती है, एक तो फ्लोर बेस्ड पजल आप कर सकते हैं, ठीक है, और एक हाइट बेस्ड पजल, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना होता है, बॉक्सेस को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू वेट, तो इस तरह की पजल भी आ जाती है। और एक आखिरी पजल है, उसमें आपको रीअरेंजमेंट करना होता है, मतलब कि कुछ लोग होंगे डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट फ्रूट उनका फेवरेट होगा, इस तरीके के पजल जो है, ठीक है, वो भी आप प्रैक्टिस करिए। तो ये तीन चार पजल प्रैक्टिस करिए और देखिए कौन सी पजल आपको इजी लग रही है। उस तरह की पजल अगर एग्जाम में आएगी तो ज़रूर अटेम्प्ट करना और कॉन्फिडेंट फील करोगे जिस पजल में उसी को अटेम्प्ट करना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब पजल अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना पजल। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरी कैलकुलेशन की तीन वीडियोज़ आई हैं और मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। और अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल चीज़ें उसमें बताई हैं। एक और वीडियो आ जाएगी आज आपके आईबीपीएस पीओ के लिए, तो अगर ये तीन चार वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको कुछ हद तक फायदा होगा। और वीडियोस देखने के बाद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद आपको भूल जाएगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना क्वेश्चंस की, रैंडमली कुछ भी आप मल्टीप्लिकेशन का उठा सकते हो, तो आप अपने आप प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, क्या रिवाइज करना है आप, तो रिवाइज आपको करने हैं स्क्वायर्स, ठीक है, क्यूब्स और टेबल्स। साथ में आपको अगर इंग्लिश के रूल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इंग्लिश के रूल्स एक बार देख लो, जो कॉमन एरर्स आते हैं, ठीक है, एरर्स जो कॉमन होते हैं वो चीज़ देख लो, और आपको उसके अलावा ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपको इंग्लिश में एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपका आरसी कैसा है। अगर आपका आरसी स्ट्रांग है तो सबसे पहले आरसी करो, अगर आरसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आरसी लास्ट में करना, ठीक है।
और ये देख लेना कि आरसी में आपको कितना टाइम लगता है, अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आरसी आ जाए तो कितना टाइम लगता है, अगर मॉडरेट हो तो कितना टाइम लगता है, तो उतना टाइम लास्ट में बचा के चलना कि इतने टाइम में मेरा आरसी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है डू नॉट ओवर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो आप ना पढ़ पाएंगे ठीक से, ना आप ठीक से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल कम लीजिए, थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप, क्योंकि ये नेचुरल है स्ट्रेस लेना, और एग्ज़ाम है इतना बड़ा तो आपके लिए नेचुरल है स्ट्रेस लेना, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम स्ट्रेस लो। अब स्ट्रेस को रिड्यूस करने के क्या तरीके हैं, तो एक हेल्थ टिप बता दूं आपको, अगर आप गर्म मिल्क यानी हॉट मिल्क पीते हैं, वार्म मिल्क, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपके बॉडी जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप वार्म मिल्क पी सकते हैं तो रात को सोने से पहले पी सकते हैं, और एडिक्यूट स्लीप जो है वो आपको तभी आएगी अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं। अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आती है कि नींद नहीं आती क्या करें, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, एक तो दूध पी सकते हैं आप, और आप या गाने सुन सकते हैं, जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है वो चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत आपके लिए बहुत असरदार होगा नींद लाने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसको करिए, लेकिन इसके इफेक्ट एक दिन में नहीं आएंगे, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। कल के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि हो सके तो जल्दी सोने की कोशिश करना, अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग में है तो। अब एग्जाम टाइम में क्या करना है आपको, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, ठीक है, तो एग्जाम देने जाओ तो कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और ना नर्वस होना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ही उसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। जो लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट के अंदर हो सकता है, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करिए। जो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको लग रहा है, आपको आता है लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा, उसको छोड़ने की कोशिश करो। और वही है अगला पॉइंट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कर दो कि आपका टाइम उसी क्वेश्चन पे लग जाए और बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप क्वेश्चन ऊपर ऊपर के देखते रहते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीचे के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आप देख नहीं, वहां तक पहुंचते ही नहीं, फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे और आप इनको कर ही नहीं पाए क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, मतलब कि अगर आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, तब एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक बार सारे क्वेश्चन देख लो कि अब देखिए ये चीज यहां पे आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा। डीआई है, ठीक है, पहला क्वेश्चन डीआई का है तो आपको इतना पता है, डीआई के 2 क्वेश्चन तो आते नहीं, तो डीआई के लगातार 5 क्वेश्चन होंगे, स्किप कर दो सीधे छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन देख लो किस तरह का, डीआई देख लो किस तरह की है। अब डीआई सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजीली निकल जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला गया है रेशियो निकालने को, ठीक है, तो रेशियो आपकी इजीली निकल जाएगी क्योंकि काफी चीजें आपकी कट जाती हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में काफी चीजें कट जाएंगी। तो रेशियो अगर आपको निकालने को बोला है तो उस डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। लेकिन कई क्वेश्चन में आपको बोला होता है कि एवरेज निकाल लो, ठीक है, एवरेज निकालो, और बीच में भी कुछ ना कुछ दिया होता है, रेशियो दी होती है, फिर रेशियो से आपको निकाल के 5-6 टर्म्स की एवरेज निकालनी होती है, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा जा सकता है। उसके बाद आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग आपको करने हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब कि जो आपको लगता है कि इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं उसी को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। तो ये एंग्जाइटी कब आती है, परफॉर्मेंस एनहेंस कब नहीं होती, जब आपकी वरी होती है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, अब इसका ये क्वेश्चन टाइम जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अब क्या होगा, ठीक है। इस चीज को छोड़ दो, एंजॉय करके एग्जाम दो, तभी आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वरी मत करो, क्योंकि पीओ अगर नहीं भी हुआ तो क्लर्क तो है, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि हर कोई कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में, ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम क्लियर नहीं होगे तो आप भी कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है, तो कोशिश करनी है एग्जाम क्लियर करने की, लेकिन नर्वस नहीं होना है। तो यही थे मेरे आज के टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है। अगर आपको किसी तरह का सजेशन और चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।